अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जुनैद टांडा ज़िला रामपुर मगरबी यूपी से हूँ। शेख, मेरा एक सवाल है कि असर की चार सुन्नतें अल्लाह की रहमत का ज़रिया है, क्या यह हदीस सही है? जवाब देकर रहनुमाई फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे जुनैद भाई हैं जो सवाल ये कर रहे हैं कि क्या असर से पहले चार रकत पढ़ना ये अल्लाह की रहमत का ज़रिया है। तो देखिए, इस सिलसिले में एक रवायत है सुनन अबी दाऊद में, हदीस नंबर 1271, और इस हदीस को शेख अल्बानी रहमुल्ला ने हसन करार दिया है। इसके अल्फाज हैं, अन इब्ने उमरा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह से रवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु इमरान, कि अल्लाह रहम करे उस शख्स पर, सल्ला कबल अल असरी अरबान, जो असर की नमाज से पहले चार रकत पढ़े। तो ये वो रवायत है, शायद आपने कहीं सुना होगा, किसी ने आपको बताया होगा। तो ये पूरी रवायत और पूरी हदीस मैंने आपके सामने पढ़ दी है, सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 1271, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने इसको हसन कहा है। इसलिए इस हदीस की रोशनी में आपके सवाल का जवाब यही है कि जी बिल्कुल, ऐसी एक रवायत वारिद है जिसको उलमा ने हसन कहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत होती है उस शख्स पर जो असर से पहले चार रकत सुन्नत पढ़ता है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।